टॉपिक हमारा है समरूपता। हम हार्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस फॉर ऑल 10th बोर्ड एग्जाम्स। और हमारा यह है वीडियो पार्ट 13। आपके सामने क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में रेख डी भुजा बीसी के समांतर है, यानी कि डी पैरेलल है किसके, बीसी के। यदि टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल का टू टाइम्स किसके इक्वल है, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल डी बी सी ई, चतुर्भुज डी बी सी ई के क्षेत्रफल के, मतलब त्रिभुज चतुर्भुज डी बी सी ई का क्षेत्रफल त्रिभुज एडी के क्षेत्रफल के दुगने के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि बीसी बराबर अंडर रूट 3 डीई इंटू डीई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। हमें जो सिद्ध करना है, तो हमें साध्य क्या करना है, टू प्रूव बीसी इक्वल्स अंडर रूट 3 इंटू डीई, ये हमें प्रूफ करना है। इसकी उपपत्ति मतलब प्रूफ, हम इसका प्रूफ दे रहे। देखिए कैसे, सबसे पहले जो दिया है इसका यूज करेंगे। सबसे पहले जो भी दिया है, टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इक्वल्स एरिया ऑफ क्वाड्रेटल डी बी सी ई जो दिया है, इसको इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको हम गिवन में लिख सकते थे यहां पर, लेकिन यहां से हम स्टार्ट करेंगे। चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर इन दोनों का एरिया एड करने पर आएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल डीबीसी, भाई इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ने पर ही त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा। आपको जो तथ्य को लिखना चाहिए, तथ्य यानी गिवन, क्या गिवन है आपको, टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इक्वल्स एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल बीडीसी। तो हम क्या करेंगे यहां पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई ऐसे ही रहेगा प्लस ये क्वाड्रेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल बीडीसी किसके इक्वल है, टू टाइम एडी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई के इक्वल है। दत्त से गिवन, फ्रॉम गिवन, दत्त से, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल इतना हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स क्या हो गया, ये थ्री टाइम हो गया, टू टाइम एडीई और वन टाइम एडीई मिलकर थ्री टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई हो गया। ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर दिया हुआ है, टू एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई के इक्वल दिया हुआ है। तो डाल दिया इसलिए पर यहां पर, तो थ्री टाइम हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। तो हम ले लेंगे क्या यहां पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ये इंटू में अपॉन में लेते हैं एडीई इक्वल्स क्या आएगा, थ्री अपॉन वन हो जाएगा नंबर वन। नाउ यह हमारा रिजल्ट निकल गया है, हमें प्रूफ ये करना है। मैंने आपसे क्या कहा है, जब भी हमें भुजाओं से संबंधित बातें सिद्ध करनी हो तो हम दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले ये इसके पैरेलल है, देखो यहां पे दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे क्या, रेख डीई समांतर भुजा बीसी तथा रेख एबी और एसी की दीर्घ रेखाएं हैं, एबी और एसी इनकी तिर्यक रेखाएं हैं, ट्रांसवर्सल है। ध्यान दीजिए, ये दोनों पैरेलल है और सेक एबी और सेक एसी क्या इनकी है, ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखाएं हैं। तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल समांतर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये दोनों संगत कोण समांतर, ये दोनों संगत कोण समांतर। तो हम लेंगे त्रिभुज एडीई, ध्यान दीजिए यहां से ले रहा हूं मैं, त्रिभुज एडीई और त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एडीई और त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, ये दोनों संगत कोण समांतर, तो एंगल एडीई इक्वल एंगल क्या हो जाएगा, एंगल एबीसी, एडीई इक्वल्स एबीसी, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल एईडी कॉन्ग्रुएंट एंगल एसीबी, एसीबी सेम संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज एडीई समरूप त्रिभुज एबीसी, कौन सी कसौटी, कोको कसौटी, कोको कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए।
तो हम क्या करेंगे इसके बाद, जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में होंगी, या यहां पर ध्यान देना होगा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय से चलेंगे। तो हम कहेंगे क्या यहां पर, या मैं पहले त्रिभुज एबीसी लेते तो ज्यादा अच्छा था, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एडीई कर लेते हैं ऐसे। अब दो त्रिभुज समरूप है, उनके क्षेत्रफल से संबंधित जानकारी हमारे पास है ना, ये इसलिए समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय अनुसार एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई इक्वल्स बीसी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय से, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय अनुसार या प्रमेय से, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द एरिया ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहां पर इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या दिया, 3:1 दिया, तो यहां पर लिखेंगे 3:1 इक्वल बीसी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर। हमने 3:1 कहां से लिया, कथन एक से लिया, फ्रॉम फर्स्ट कथन एक से। अब क्या करेंगे, वर्गमूल ले लो, तो वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, ये अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा, ये बीसी अपॉन क्या हो गया, डीई हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, बीसी बन जा बीसी इक्वल इन दोनों का इंटू कर दो अंडर रूट 3 into DE, तो हमको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो गया, बीसी इक्वल अंडर रूट 3 into DE। तो इस तरह से ये देखो प्रूफ हुआ। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो ध्यान दीजिए ऐसे ही क्वेश्चन हम बार बार लाते रहेंगे, हमें आप सब्सक्राइब करते रहिए और